सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। मैं SV न्यूज से हरपाल सिंह दर कैमरामैन शिषपाल जी के साथ आज हम सन सिटी हिसार में पहुंचे हैं और आज सन सिटी हिसार में अग्रोहा की एक टीम मूवी देखने के लिए पहुंचे हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि आज उनका क्या ये उद्देश्य है मूवी दिखाने के लिए पब्लिक को। मैडम आपका नाम? मेरा नाम रम्मी गुप्ता है। मैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा की और हिसार की भी। तो वैसे तो हमारी एक लेडीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग लेडीज़ का मतलब जो टैलेंट है उसको आगे लाने के लिए कोशिश करते हैं और मेन मकसद हमारा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का। पर ये है कि बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं लेडीज़ को थोड़ा सा पुशअप भी करने के लिए या अभी एग्ज़ाम आने हैं तो हमने उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए आइए एक मूवी का प्रोग्राम बनाया है सभी लेडीज़ के ग्रुप का। आज 175 के अबाउट हमारी यहाँ पे लेडीज़ आई हुई हैं जो है। वैसे मेन हमारा एक पर्यावरण पे भी रहता है यहाँ पे हिसार में स्वच्छ भारत अभियान के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। पर्यावरण पे मेरी मतलब लोगों को एक संदेश है ये कि भाई आप लोग जो आजकल मौसम हम देख रहे हैं कि कैसा बिगड़ रहा है, मतलब जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पे आज गर्मी है और जहाँ गर्मी है सऊदी अरब वगैरह में वहाँ बर्फ़ भी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। तो मेरा लोगों से ये है कि ये पर्यावरण जो असंतुलन हो गया इसका, तो इसको संतुलित करने के लिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए और जैसे मतलब हम लोग कहते हैं कि नहरों को साफ रखना चाहिए, कूड़ा करकट है जो वो हम लोग गली मोहल्ले में अपने में जाके लोगों को ये संदेश देते हैं कि आप जो भी कूड़ा करकट है वहाँ खुले में ना फेंकें, उसको आप डंप करें या उसको कंपोज करें कि हम लोग जो खाद बना सकें आगे। हमारा मेन उद्देश्य रहता है वैसे गर्ल चाइल्ड का, पर्यावरण का और स्वच्छ भारत अभियान का। अच्छा मैडम, आप अपना जो सोसाइटी की ओर से आए हैं, आप अभी 175 आदमी आप बता रहे हैं सन सिटी हिसार में पहुंचे हैं। हाँ जी। तो जो इनका ये जो टिकट का खर्चा है ये आपकी सोसाइटी कर रही है? हाँ जी हाँ जी, ये हमारी सोसाइटी करती है। वैसे हमारी साल की मेंबरशिप होती है, फिर बहुत ज़्यादा नहीं, एक नॉमिनल सी है हमारी, 300 रुपीज़ ही है सिर्फ। बट ये है कि साल भर हम उनको एंटरटेनमेंट का, ये मूवी का जैसे है, बाकी हम लोग जो एजुकेशन पे भी करते हैं गर्ल चाइल्ड पे, वो सारा हम अपने लेडीज़ का ट्रस्ट की तरफ से करते हैं। तो आपने बताया आप पर्यावरण के लिए करते रहते हैं, नहर सफाई के लिए करते रहते हैं, आपने क्या क्या कार्य किए आज तक इसके लिए? जैसे हमारा ये होता है कि पर्यावरण दिवस आता है जिस दिन, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम स्कूलों में जाएं, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं, कोई पार्क है उसमें पौधे लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान के लिए हम लोग ये करते हैं कि अपने गली में सारे जने ये कहते हैं कि भाई अपनी अपनी गली में, हमारी जैसे एग्जीक्यूटिव टीम के 11 मेंबर हैं, तो 11 के 11 मेंबर अपने अपने एरिया हमने बांट रखा है सबको कि भाई ये 13 सेक्टर का एरिया एक मेंबर के जिम्मे है, जैसे अलग अलग बांट रखे हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपने अपने एरिया में, मतलब ये जो नगर निगम वाली आती हैं गाड़ियाँ, लोगों को उसके लिए मतलब प्रेरित करें कि वो गाड़ियों में कूड़ा करकट डालें, बाहर खुले में ना फेंकें। अच्छा मैडम, जो ये शहर के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, एक धुएं की चादर पूरे शहर के अंदर फैलती जा रही है, इसके लिए आपकी जो संस्था है वो क्या कर रही है? नहीं, इसके लिए देखो अभी ऐसा हमने कोई विशेष अभियान तो नहीं चलाया, बट हमारा मतलब आपस में डिस्कशन होती है जैसे ग्रुप मेंबर्स में, तो उसमें मेन जो धुआं, एक तो व्हीकल्स का हम कहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आज के टाइम में हम देखें कि एक घर में 4 मेंबर हैं तो 4 ही व्हीकल हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भी अपने मेंबर्स को ये कहें कि आप जितना कोशिश हो कि आपकी सेहत भी ठीक रहे आप पैदल चलें, और दूसरा ये कि आप लोग एक ही गाड़ी यूज़ करें। जैसे हम लोग भी अभी यहाँ आना था तो हम लोग आपस में डिस्कस करके आए हैं कि अगर एक जने की गाड़ी जा रही है तो उसमें 5-6 मेंबर जा सकते हैं, तो इकट्ठे जाएँ, अपना अलग अलग ना व्हीकल करके जाएँ। आपको जैसे ये लगता है कि गाड़ियाँ आप कह रहे हैं करके जाए, अगर जो छोटा मोटा काम जाना है, जो नज़दीक जाना है, आज देखते हैं कि किसी ने किसी चौक पे सामान लेने जाना है तब भी वो मोटरसाइकिल का यूज़ करता है, तो आपके हिसाब से साइकिल के बारे में क्या विचार है कि नहीं? बिल्कुल साइकिल तो चलाना चाहिए, मतलब लेडीज़ जो बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि साइकिल चलाएँ, लेडीज़ कम चलाती हैं साइकिल, इसलिए लेडीज़ को तो हम कहते हैं कि आप वॉक करके जाएँ हमेशा। आपने सब्जी लेने भी जाना है गली के नुक्कड़ तक है तो आप वॉक करके जाएँ। धन्यवाद।